नमस्कार, इजी आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज का प्रश्न यह है कि आपने कहा था कि चंदन का पेस्ट लगाना माइग्रेन के लिए अच्छा है, पेस्ट को कितनी देर तक लगा के रखना चाहिए? इसके अलावा पेस्ट को किस द्रव के साथ बनाया जाता है? जैसे ही प्रश्न में उल्लेख किया गया है, बाहरी रूप से किसी भी पेस्ट का उपयोग लेप उपचार के तहत आता है। जड़ी बूटियां, रोग के प्रकार और गंभीरता आदि के आधार पर विभिन्न प्रकार के लेप होते हैं। अब हम लेप उपचार के बारे में चर्चा करेंगे। आचार्य यादव जी के अनुसार द्रव्यमाद्रम, शिलापिष्टम, शुष्कम व सद्रवम तनो देहे परलेपनार्थम तल्लेप इत्युच्यते बुधे, जिसका मतलब है कि जड़ी बूटी का पेस्ट तैयार करके बाहरी लेपन के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे लेप कहा जाता है। लेप को जड़ी बूटी के स्थानीकृत प्रभाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माइग्रेन में चंदन पेस्ट का उपयोग। माइग्रेन पित्त दोष प्रशमन में प्रमुख है, इसलिए चंदन जैसी जड़ी बूटी माइग्रेन में काफी फायदेमंद होती है। चंदन एक बहुत ही शीतलकारी जड़ी बूटी है, जो पित्त प्रदान दोष के व्याधियों में सहायक है। धन्वंतरी निघंटु के अनुसार श्रीखंड शीतलम स्वादु तिक्तम पित्त विनाशनम, इसका मतलब श्रीखंड या चंदन शीतलम प्रकृति से शीतलकारी, स्वादु तिक्तम मीठा और कड़वा, पित्त विनाशनम पित्त दोष को शांत करता है। अब प्रश्न के वास्तविक भाग की बात करें तो पेस्ट कब तक लगा के रखना होगा? लेप सूखने के तुरंत बाद माथे से हटा देना चाहिए। आमतौर पर इसमें 5 से 10 मिनट लगते हैं, इसलिए पेस्ट को माथे पर लगभग 5 से 10 मिनट तक रखना चाहिए, या तब तक रखना चाहिए जब तक यह पूरी तरह से सूख न जाए। एक और सवाल यह है कि किस द्रव पदार्थ से लेप बनाया जाता है? विभिन्न लेपों के लिए रोग और दोष प्रधानता के अनुसार अलग अलग द्रव पदार्थ बताए गए हैं। यदि माइग्रेन जलन से जुड़ा हुआ है तो पेस्ट को गाय के दूध, घी या पानी के साथ तैयार किया जाता है। अगर माइग्रेन दर्द से जुड़ा है तो महानारायण तेल या ऐसे किसी भी दर्द से राहत देने वाले तेल में चंदन चूर्ण मिलाकर पेस्ट तैयार किया जाता है। उदाहरण के लिए एक चम्मच चंदन पाउडर को 1 से 2 चम्मच महानारायण तेल के साथ मिलाकर यह पेस्ट तैयार किया जाता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आयुर्वेद से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अवश्य भेंट कीजिए easyayurveda.com।